very warm welcoming you to my YouTube channel Target Physics with Jay Gia. दोस्तों आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज योर चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड. सो ये चैप्टर के अंदर जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ही काम में आने वाली है, वैसे सारी चीज़ों का वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो प्लीज़ इसको अच्छे से एक बार देखिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, इसको यही तरीके से अगर आप लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे प्रॉपर क्वेश्चन को कंसिडर करके. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में. हो गया, तो देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस वी हैव. फर्स्ट दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं. ठीक है, ये फोर फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में अपन बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, सब लोग सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होने के लिए सोर्स क्या होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज की वजह से प्रोड्यूस होता है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास है तो बिकॉज ऑफ मास ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होने के लिए उसका सोर्स होता है मास. ठीक है, नेचर कैसा होता है अगर अपन बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसका नेचर कैसा होता है. सो उसका नेचर होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव. ठीक है, उसका रेंज कितना होता है, तो ये होता है लॉन्ग रेंज. ओके, टेक्स्टबुक की माने तो इनफाइनाइट. ठीक है, ओके, इसको यूनिवर्सल फोर्स भी बोला जाता है. क्यों, बिकॉज इट इज इक्वली ट्रू फॉर टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑल्सो फॉर प्लेनेट लाइक बिगर पार्टिकल. ठीक है, अगर अपन बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे टाइनी पार्टिकल्स के लिए भी वो सही है और बिगर पार्टिकल जैसे कि प्लेनेट
उनके लिए भी सही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल फोर्स। ठीक है, अगर उसका डेफिनेशन अपन बात करें तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिनके मास m1 और m2 है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसके ऊपर से अपन इसका मैथमेटिकल स्टेप या फॉर्मूला बना सकते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, सपोज दोनों ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस है r, सो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, सो f दैट इज g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, वेयर g इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजे स्क्वायर। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है r, तो इस तरह से F यानी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स अमोंग ऑल द फोर्सेस। ठीक है, फिर से एक बार सब लोग समझ लो मैंने क्या बोला। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हमने सबसे पहले बात किया, देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस वी हैव, फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें हमने सबसे पहले बात किया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बोला जाता है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब उसका सबसे पहले सोर्स क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, उसका नेचर कैसा होता है, तो ऑलवेज अट्रैक्टिव। उसका रेंज कितना होता है, तो रेंज होता है लॉन्ग रेंज, ठीक है, इनफाइनाइट। ओके, यूनिवर्सल फोर्स बोला जाता है उसको, क्यों, बिकॉज इट इज इक्वली ट्रू फॉर टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऑल्सो फॉर प्लेनेट लाइक बिगर पार्टिकल। उसका अगर डेफिनेशन दिया जाए, सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मासिस एंड इनवर्सली प्रपोजनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इसके ऊपर से अपन लिख सकते हैं एफ इज प्रपोजनल टू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट है, सी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है एम वन, दूसरा ऑब्जेक्ट है एम टू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, तो उसके ऊपर से अपन डेफिनेशन के ऊपर से लिख सकते थे इतना। ठीक है, अगर इसके अंदर अपन प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वेर कैपिटल जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स अमोंग ऑल द फोर्सेस। तो ये सबसे बेसिक बात हो गई हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। चलिए ठीक है, उसी तरह से अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में।
सेकंडली हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होने के लिए उसका सोर्स क्या होता है? तो उसका सोर्स होता है मूविंग चार्ज। ठीक है, नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। क्यों अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव? तो चार्ज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है दैट इज पॉजिटिव चार्ज और सेकंड है दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, व्हाई, क्यों उसका नेचर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होता है? सो वी हैव टू टाइप ऑफ चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज। जनरली हम पॉजिटिव चार्ज के तौर पर प्रोटॉन को कंसीडर करते हैं एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। जनरली हम नेगेटिव चार्ज के तौर पर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, लाइट चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, फिर से एक बार, लाइट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से ये जो फोर्स है या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव हो सकता है। ठीक है, इसका अगर अपन रेंज की बात करें, सो इट्स रेंज, तो इसका जो रेंज होता है वो लॉन्ग रेंज होता है, जिसको अपन इनफाइनाइट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर अपन इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चीज याद रखना। ठीक है, अभी समथिंग इंपॉर्टेंट, दैट यू डोंट नो। ठीक है, ओके, अगर अपने पास स्टेशनरी चार्ज है अच्छा, स्टेशनरी चार्ज किसको बोला जाता है? तो जिसके लिए वेलोसिटी जीरो हो, जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो। वेलोसिटी जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, वैसे चार्ज को बोला जाता है स्टेशनरी चार्ज। और जो स्टेशनरी चार्ज है ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी
इसकी मतलब v इज नॉट इक्वल टू जीरो बट a इज इक्वल टू जीरो, याद रखना भाई लोग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब v इज नॉट इक्वल टू जीरो बट a इज जीरो। तो इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं। चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं। अगर अपन बात करते हैं चार्ज डूइंग एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब v इज नॉट जीरो, e इज ऑल्सो नॉट जीरो, ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन, रेडिएशन मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर अपन बात करें आपका जो चार्ज है वो मोशन कर रहा है, तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। तो ये E वर्सेस B, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको डिनोट किया जाता है E से, और मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है B से। तो अगर आपका चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है या तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोनों कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, अगर आपका चार्ज है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसकी जो यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, पर उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास इस तरफ से सर्कुलर शेप में धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। सी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हो गया आपकी बात, ठीक है। अगर अपन स्टेशनरी चार्ज की बात करते हैं, तो स्टेशनरी चार्ज के अंदर फॉर टू स्टेशनरी चार्ज इफ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में फोर्स प्रोड्यूस होता है, देन इट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ आपको क्या समझाता है, सपोज करो आपके पास यहां पर चार्ज है क्यू वन, अच्छा यहां पर चार्ज है क्यू टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। तो कूलम्स लॉ की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स डेफिनेशन, तो कूलम्बियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर अपन इस तरह से बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से बनेगा, इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से बनेगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट रखना पड़ेगा, सपोज दैट कांस्टेंट इज के, सो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, वेयर के, ये जो के है उसको बोला जाता है कूलम्बियन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जिसका जो यू वैल्यू होता है दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये आपका बात हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज कैन नॉट बी सेपरेटेड हैंस इट इज कॉम्बाइनली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर मूविंग चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और ये दोनों फील्ड को एक दूसरे से सेपरेट करना नामुमकिन है, इस वजह से इसको कंबाइनली बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज कंबाइनली नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? चले अभी अपन इसमें बात करेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें थर्ड फोर्स होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है सबसे पहले क्वेश्चन वेयर, कहां पर प्रोड्यूस होता है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, बिटवीन हुम, किन लोगों के बीच में लगता है, ओके, तो बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी आपको ये लगे सर न्यूक्लियॉन्स मतलब, ठीक है मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अपन इंडिया में रहते हैं तो इंडियंस है, अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिकन्स है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इस वजह से उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, नेचर कैसा है, तो फॉर
दी न्यूक्लियॉन्स ओके इफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स लेस देन 0.8 FM तो ये है रिपल्सिव ठीक है इफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स ग्रेटर देन 0.8 FM तो ये जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव हो जाता है ठीक है अगर अपन इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट अमोंग ऑल द फोर्सेस सभी फोर्सेस में ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंड ऑन दिस फोर्स अभी मैंने ऐसा क्यों लिखा वो समझाता हूं आपको ठीक है आप जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आए होते हैं अगर अपन न्यूक्लियस के अंदर की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉन्स के बीच में ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स लगेगा अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे अगर दूर चले जाएंगे तो आपका न्यूक्लियस जो है वो बड़ा हो जाएगा पर न्यूक्लियस जो है वो कंपलसरी छोटा रहते बराबर तो अगर छोटा है इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उससे भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता होगा जो उसको स्टेबलाइज करके न्यूक्लियस को छोटा रखता है सो दैट फोर्स इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ओके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हंड्रेड टाइम ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है स्ट्रेंथफुल होता है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात हो गया क्या बोला वेयर कहां पर प्रोड्यूस होता है या कहां पर लगता है सो इनसाइड द न्यूक्लियस किनके बीच में लगता है तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में उसका नेचर कैसा होता है इफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स लेस देन 0.8 FM तो रिपल्सिव इफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स ग्रेटर देन 0.8 FM तो अट्रैक्टिव ठीक है उसका स्ट्रेंथ कैसा होता है तो स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल फोर्सेस स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंड ऑन दिस फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 times ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ठीक है उसका जो रेंज होता है दैट इज शॉर्ट रेंज फोर्स ठीक है 10^-15 मीटर जितने शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ही ये फोर्स लगता है तो ये आपकी बात हो गई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में चले अपन बात करेंगे अभी वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में वीक न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या होता है दिस फोर्स इज
प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्पेशल न्यूक्लियर प्रोसेस लाइक बीटा एमिशन. ओके, ड्यूरिंग बीटा एमिशन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो विल प्रोड्यूस. इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स 10^-16 मीटर. ठीक है, ओके. वीक न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड लेस देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, अगर अपन इन सभी फोर्सेस को उनके पावर के हिसाब से रखें, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कि अपन बात करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 1 लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10^-2 टाइम्स हाई हो जाएगा. जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10^-13 टाइम्स हो जाएगा, और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये 10^-38 टाइम हो जाएगा. इसका मतलब अपन इसको एफ एस जेम एफ ई जेम एफ डब्ल्यू जेम एफ जी अगर लिखते हैं तो 1 जेम 10^-2 जेम 10^-13 जेम 10^-3 8 हो जाएगा. अगर अपन इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10^-25 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से हायर होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10^-36 टाइम्स हायर होगा फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो वो 10^-38 टाइम्स हायर हो जाएगा फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर अपन यहां पर एफ जी जेम एफ डब्ल्यू जेम एफ ई जेम एफ एस रखते हैं तो उसका आंसर 1 जेम 10^-25 जेम 10^-36
जेम 10^38 हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन एस्केंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, सारे फोर्सेस को अपन एस्केंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिख सकते हैं। तो ये तरीके से आपके सभी फोर्सेस को डिनोट किया जाता है, ठीक है। सभी फोर्सेस में सबसे ज्यादा यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर अपने को पूछा जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी हो गया, ठीक है। चलिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी थ्योरी थी, इसको समझना था, ठीक है। ये समझ लिया तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, ऑलराइट।